तो शिकारा भी जरूर देखिएगा और दी कश्मीर फाइल भी जरूर देखिएगा अगर आपने कश्मीर फाइल देखी है तो दोनों मूवी देखिएगा फिर आपको पता चलेगा कि दोनों मूवी के अंदर क्या अंतर है और क्यों इसको इतना ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया और मैं हूं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी। आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल वो एक मुद्दा बन गया है जो पूरे के पूरे समाज के अंदर, पूरे के पूरे देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा लगातार आम जन से लेकर नेताओं के, और चाहे हम बॉलीवुड स्टार की बात करें, चाहे हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, कहीं भी कोई भी इससे अछूता नहीं रह गया। लगातार सब इसके ऊपर बात करने रह गया। क्यों, इसका क्या है विषय, क्यों इस पर लगातार लोग इतनी बात कर रहे हैं और क्या इसके अंदर दिखाया गया और क्या इसकी सच्चाई है, तो ये सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि ये एक फिल्म है और ये फिल्म इतनी ज्यादा विवाद में पढ़ने के बाद आज इतनी चर्चा का विषय क्यों बन गई है, उसका विषय है कि राजनीति से इसका जुड़ा हो जाना। जो चीज एक बार राजनीति से जुड़ जाएगी वो इस देश के अंदर किसी भी प्रकार से अछूती नहीं रह सकती है, लगातार वो आम जन तक पहुंची जाएगी। और इस कश्मीर फाइल का सीधा सीधा जुड़ाव बीजेपी के साथ है। बीजेपी के लोग लगातार इसको प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो सिनेमा घरों में जाकर देखना हो। तो वो क्यों इसको प्रमोट कर रहे हैं ये भी जानने का विषय है। कश्मीर फाइल एक तरीके से जो फिल्म बनाई गई है, इसके डायरेक्टर जो है अग्निहोत्री जी, उनको लगातार लोग जिस प्रकार से सिनेमा हॉल में कुछ वीडियोस आ रही है उनको भी दिखाया गया, अनुपम खेर को भी दिखाया गया है और भी इसके जो अभिनेता हैं उनको भी दिखाया गया है। और लगातार वो कुछ एक पक्ष हैं जो लगातार इनको प्रमोट कर रहे हैं और वो प्रमोट करने का उनका रीजन ये है, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए उसको हम लोग सभी लोगों को देखना चाहिए। अब बात यह है कि कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया वो कितना सच है, क्या यही सच है, क्या यही एक फिल्म है या क्या यही एक सिनेमा है जो कश्मीर के ऊपर जो अपने कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर अत्याचारों के ऊपर बनी फिल्म है। जी नहीं, इससे पहले और भी मूवी बन चुकी है शिकारा करके, और भी इसके ऊपर अलग अलग अध्ययन हुए अभी। और शिकारा जो मूवी बनी है वो तो मेरे, अगर हम ज्यादा पीछे ना जाए तो 2 या 3 साल की बात है जब वो मूवी आई थी। उसको लेके क्यों बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इस प्रकार से प्रचार नहीं किया। आप सभी जो कश्मीर फाइल देखने वाले हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कश्मीर के ऊपर ही बनी और जो फिल्म बनाने वाले हैं वो खुद कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और खुद उन्होंने रिसर्च करा है पूरा और कश्मीर के अंदर उनसे बहुत बड़ा नाता है जो इसके अंदर काम करने वाले हैं, जो इसके अंदर इसको फिल्म बनाने वाले हैं। तो शिकारा भी जरूर देखिएगा और दी कश्मीर फाइल भी जरूर देखिएगा अगर आपने कश्मीर फाइल देखी है तो दोनों मूवी देखिएगा फिर आपको पता चलेगा कि दोनों मूवी के अंदर क्या अंतर है और क्यों इसको इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। खासकर इसको एक तरीके से हवा देने की कोशिश है। हाल फिलहाल में जो कश्मीर फाइल की टीम है वो लगातार हमारे अलग अलग राजनीतिक हस्तियों से भी मिली है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की बात हो या फिर गृह मंत्री जी की बात हो, उनसे भी मिलकर आई और कहीं ना कहीं इसको लेके कुछ सत्य छुपाने की भी कोशिश हुई है। इसको लेकर अलग अलग जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कुछ लोगों की अलग राय है, उन्होंने इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बताया कि जो जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है वो पूरी तरीके से सही भी नहीं है और जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया वो पूरा सही भी नहीं है। तो दोनों चीजें भी जानने वाली है। पर मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर किसी रियल किसी फैक्ट के ऊपर अगर कोई मुद्दा बनता है, कोई फिल्म बनती है या कोई सिनेमा बनता है तो उसको लेके आप आकलन जरूर करें, जरूर उसके तथ्य को जांच करें कि क्या उस दौरान हुआ था। आप कश्मीर फाइल देख के आए तो मेरी इस बात को जरूर गांठ बांधिएगा कि क्या इसमें ये दिखाया गया है कि केंद्र में किसकी सरकार थी उस दौरान जब कश्मीर के ऊपर ये अत्याचार हो रहे थे, जब राज्य में कौन सरकार थी या कौन राज्यपाल था वहां पे। तो ये सारी चीजें आप जरूर देखिएगा। इसके अगले भाग को लेके मैं आऊंगा जब एक बड़ा खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कश्मीर फाइल के पीछे कितना बड़ा एक रहस्य है, कितना बड़ा एक सच है जो आप सबसे छिपाया जा रहा है और किस प्रकार से आगे चल के इस लोगों को कौन प्रमोट कर रहा है और कौन इसको दिखा रहा है। तो आप बने रहिए हैप्पीनेस इंडिया के साथ। भी कश्मीर फाइल के और भी बहुत सारी चीजें मैं आप सबको पहुंचाऊंगा, दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि कश्मीर फाइल अगर आप देख रहे हैं तो इसको अध्ययन जरूर कीजिएगा, पूरी इतिहास को जाकर जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसके सरफरस्ती में हुआ। और साथ में इस मूवी के साथ साथ शिकारा मूवी भी देखिएगा कि क्यों उस मूवी को इस मूवी की तरह प्रमोट नहीं किया गया। तो ये चीज आप जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद में नए सेगमेंट के साथ आप सभी के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए अपनी जिंदगी पे। जय हिंद।